राजभर जो कि बार बार लगातार बयान दे रहे हैं, पार्टी लगातार बयान मुस्लिम नेताओं के नाम बदलने की बात कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रकाश राजभर के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं क्योंकि है अब ओवैसी ने कि जो अमित शाह जिनको आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की का जो नाम है वो शाह जो है वो पारसी का है तो उन्हें अपना नाम बदल देना चाहिए, शाह हटा देना चाहिए। मैं हिंदी में PhD हूँ, मैं ओवैसी को शाह शब्द की व्याख्या पढ़ा सकता हूँ और उसको कई और शब्दों का ज्ञान दे सकता हूँ। क्या दो यार शाह शुद्ध रूप से हिंदी भाषा का शब्द है, संस्कृत शब्द है। क्या दो यार यही 1989 में पालमपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित कर मंदिर निर्माण का खुला समर्थन किया है। आज भी पार्टी उस स्टैंड पर कायम है, पार्टी उस मंदिर निर्माण के लिए हर संभव रास्ता निकले उसके लिए प्रतिबद्ध है, हम उसके पक्ष में हैं। सर आरोप लग रहे हैं कि आप तारीख नहीं बता रहे हैं और अध्यादेश नहीं ला रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद भी नाराज है, संघ की तरफ से भी ऐसी बातें आ रही हैं। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर निर्माण के लिए शुरू से उसकी पक्षधर है, उसके लिए प्रतिबद्ध है। 9 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद का कूच हो रहा है दिल्ली में, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे? विश्व हिंदू परिषद देश के हिंदुओं के जागरण का एक विश्व स्तरीय बहुत बड़ा संगठन है, उनका अपना अभियान है, उसके प्रति हमारे दिल में सम्मान है। फैजाबाद इलाहाबाद के बाद में और भी जनपदों के नाम बदले जाएंगे? फैजाबाद इलाहाबाद के क्या और भी अयोध्या जो फैजाबाद बदल के अयोध्या हुआ और इलाहाबाद बदल के प्रयाग हुआ, ये प्रयागराज, यह बहुत ही उत्कृष्ट कदम उठाया है भाजपा की योगी सरकार ने, क्योंकि ये उनकी मूल पहचान इसी रूप में थी। कागज में भले ही कोई फैजाबाद इलाहाबाद बोले, प्रशासनिक कार्यों में इस्तेमाल करे, लेकिन जनमानस में अयोध्या को लोग अयोध्या ही कहते थे और तीर्थराज प्रयाग को प्रयागराज कहते थे। आजमगढ़ मूल पहचान मिली है, इसके लिए योगी सरकार बधाई की।